और भूख इतनी बढ़ चुकी है कि उसे अपनी चप्पल ही खाना पड़ता है। उसकी नजर एक टापू पर पड़ती है। तभी एक तूफान उसे धकेलने लगता है। टापू पर गिरता है, नारियल उठाकर उसे तोड़ता है। एक कछुआ धूप सेंकने निकला था, साला उस पर नमक मसाला डालकर खाने लगता है। तभी उसे एक चूहा सन बांध लेते दिख गया। उसे पैन में रख चूहा फ्राई बनाने लगा। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। दोनों आदिवासियों के गांव में पहुंच गए। साला चूहा कोयला लगाकर छोटू आदिवासी बन जाता है। बिल्ले का ही सूप बनाने लगता है। सब्जियां काटकर अपने ही सूप की तैयारी कर रहा था, तभी नीचे कलुआ आग लगाता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मौके पर सारे आदिवासी वहाँ आ जाते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये देख असली असली। बिल्ला बचपन से खरगोश और कछुए की कहानी सुन सुनकर पगला गया होता है और इस कहानी को बदलने का सोचता है। तभी बिल्ला बाबा जोगिंदर बन के कछुए से उसके जीत का राज पता करने जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? अभी बता दे भाई। छीन टपाक डम डम। राज पता चलते ही बिल्ला के अंदर मुन्ना मिस्री का भूत आ जाता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तभी रेस शुरू होने से पहले ही ये साले गली के सट्टेबाज पैसा लगाने लगते हैं। 25 दिन में करोड़पति। रेस शुरू होते ही बिल्ला जल्दी से कछुए के आगे निकल जाता है और खोपचे में आकर लोहे का खोल पहन लेता है। तभी बिल्ले की स्पीड देख कर फ्लैश क्लैश करने लगता है पर चिरकुट बिल्ले की चलाकी देख लेता है और इसका फ्यूचर मोड़ देता है। बाप रे। ये देख बिल्ला सबको ठिकाने लगा के कछुए के आगे निकलने ही वाला था। बाग, बाग बाग, बाग। तभी चिरकुटों की गैंग इसे धर लेती है और बचपन की कहानी सच हो जाती है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम।